एन वर्ग के क्वेश्चन में अब सीरीज आती है आपकी हार्ड हाई लेवल के क्वेश्चन की। अभी तक हमने दो सीरीज बनाई है, उसमें हमने सिंपल वाले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखे थे, पर आज हम हाई लेवल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हाई लेवल के क्वेश्चन समझने करने एग्जांपल करने से पहले हम आपको बताएंगे कुछ फॉर्मूले, जो आपको याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आप आसानी से देखते ही हल कर पाएंगे। फॉर्मूला है एम वन डी वन एच वन बटे डब्लू वन आर वन बराबर एम टू डी टू एच टू बटे डब्लू टू आर टू। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है एम वन डी वन एच वन बटे डब्लू वन आर वन एम टू डी टू एच टू बटे डब्लू टू आर टू। एम क्या है यहाँ पर? व्यक्ति, व्यक्ति फॉर्मूले में एम क्या है? व्यक्ति। डी क्या है? दिन। डी क्या है? दिन। और एच हमारा कितना है? घंटा। एच हमारा कितना है? घंटा। हर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन में व्यक्ति मिलेगा, कितने व्यक्ति काम करते ये मिलेगा, दिन दिया रहेगा, घंटे दिए रहेंगे। डब्लू कार्य, डब्लू मीन कार्य। और आर मीन क्या होगा? मजदूरी, मजदूरी। ठीक है, अब आपको ये हाई लेवल के क्वेश्चन हल करने के लिए एम व्यक्ति दिए होंगे, दिन दिया होगा, घंटे दिए होंगे, कार्य कितना करना और कितने मजदूर है, ये आपको हर क्वेश्चन में ये आपको दिया ही होगा। कभी व्यक्तियों की संख्या निकालने को दी जाएगी, कभी दिन निकालने को दिए जाएंगे, कभी घंटे बताने को कहा जाएगा, कभी कितना कार्य बचा है ये कहा जाएगा। इसी से इर्द-गिर्द आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि एम बराबर व्यक्ति, तो यहाँ पे एम के स्थान पे क्या आएगा? 40। एम बराबर कितना आएगा? 40। 12 घंटे, घंटे को हमने हॉर्स से किया था, एच से, एच बराबर कितना आएगा? 12 घंटे। ठीक है, ये हमारा एम वन हो गया, ये एच वन हो गया। और किसी काम को 25 दिन में समाप्त करेंगे, और दिन हमारा कितना हो गया? डी वन कितना हो गया यहाँ पे? 25 दिन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल आई। अब हमारा एम टू कितना हुआ? हमें एम टू कितने आदमी निकालना है, तो एम टू हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है, घंटे दे रखे हैं 8, एच टू कितना दे रखा है? 8, और दिन दे रखा है हमारा, डी टू दे रखा है हमारा 20 दिन। ये इतना क्वेश्चन में आपको दे रखा है, निकालना क्या है आपका? एम टू। क्वेश्चन समझ में आया आपको? 40 आदमी 12 घंटे में 25 दिन काम करते हैं, तो कितने आदमी, यानी हमको एम टू निकालना है, हॉर्स दे रखे हैं 8 घंटे
और दिन दे रखे हैं 20 दिन। अब हमको एम टू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2, यह हमने आपको बताया था। तो हमारा M1 कितना है? M1 कितना है हमारा? 40, 40, कितना है? 40। और H1 कितना है हमारा? 12। दिन कितने हैं? 25 बराबर एम टू हमें निकालना है, 20 गुणित 8। ये हमने क्वेश्चंस लिख दिया। 40 क्या है हमारा? H1 12, D1 25, M2 हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, और बी ए 8, H2 हमारा 8 है और D2 हमारा 20 है। अब इसको बटे में ले लेंगे, 40 M2 निकालना है, तो M2 बराबर M2 को हम इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएंगे ये सब, 40 गुणित 12 गुणित 25 बटे 20 गुणित 8, ठीक है, इतना इसका इसमें इसका इसमें आप गुणा ये काट के या गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 75 आदमी। कितना आएगा? 75 आदमी, ठीक है, हमारा आया आंसर 75 आनी है, तो M2 बराबर कितना हुआ? 75। M2 बराबर कितना हुआ हमारा? 75। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, कितने आदमी उसी काम को 12 दिन में करेंगे? यहाँ पे एम कितना दे रखा है? 22। एम कितना दे रखा है हमारा? 22। एम कितना दे रखा है हमारा? 22। और डी कितना दे रखा है हमारा? 18 दिन। कितने आदमी हमको निकाल एम टू हमको निकालना है, और डी टू दे रखा है हमारा 12 दिन। ये क्वेश्चन में आपको इतना दे रखा है। अब इसको हल कैसे करेंगे? बाईस गुणित 18 बराबर M2 गुणित 12, बस सिंपल सा है। आपको इसका इसमें गुणा करना है और 12 इधर लिख देना है, हमको M2 निकालना है, सिंपल सा है।
22 आदमी 18 दिन में, तो 22 × 18 करेंगे बराबर M2 निकालना है, गुणित 12 दिन में काम करते 12 कर देंगे। ठीक है, अब M2 को हम इधर ले आएंगे, बराबर 22 × 18/12। इतना हुआ, अब इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा, हमारा M2 कितना आ जाएगा, 33 दिन। कितना आएगा, 33 दिन। M2 हमारा कितना आ जाएगा, 33 आदमी, सॉरी दिन नहीं आदमी। आदमी अगला क्वेश्चन है आपका, एक किसी कार्य को 3/5/15 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 15 दिन, 15 हम ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, 3/5, 3/5 ये तो 5/3 इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 × 9 = 12, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 25 दिन, ये आपका आंसर निकला है। सिंपल सा था, जब भी आपका ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि 3/5 भाग, तो इसको पलट के, आपको पता ही होगा कि इसको उल्टा कर दीजिए, 5/3 कर देना और जितना दिनों लिखा है उसमें इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक देख लीजिए, इसकी ट्रिक, एक्स ए बी माइनस एक्स ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है, एक्स ए बी माइनस एक्स ए प्लस बी। ए बी सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो हमारा एक्स कितना हुआ, 20, बी और सी कितना हुआ, 40, बी कितना हुआ, 50, ए कितना हुआ, 40, बी कितना हुआ, 50 माइनस एक्स कितना था हमारा, 20, ए कितना है, 40, बी कितना है, 50, ये हमारा हो गया इतना। बीस 40 50, और 50 का 40 में गुणा करेंगे, फिर इससे इसके घटाएंगे तो आपका ये आएगा, 2000 माइनस 1800,
गुणित 40 गुणित 50। बीस गुणित 40 गुणित 50 बटे 2000 में से 1800 गए आपके 200 बच्चे। इससे इसका काटेंगे, इसका आंसर आएगा आपका 200। 200 दिन में पूरा करेगा। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 25 आदमी तथा 15 लड़के ऐसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? गुणित 10 गुणित 18 बटे 10 गुणित 15 प्लस 18 गुणित 25 बराबर 15 गुणित 10 गुणित 18 बटे 10 और 15 150 प्लस 18 25 450 बराबर 15 गुणित 10 गुणित 18 बटे 150 450 600 बराबर, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 4 सही 1/2 दिन। आपका आंसर आया 4 सही 1/2 दिन।